नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। वीकी न्यूज बलिया। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय का छलका दर्द। इंडिया टाइम न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। अब बात करते हैं यूपी के जिले बलिया के लोक स्वशांति क्षेत्र 72 बलिया से भाजपा प्रत्याशी बीरेन सिंह मस्त पर लगाए गंभीर आरोप। लगाते हुए कहा कि मस्त भू माफिया है। मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोकसभा बलिया के प्रत्याशी मेजर रमेश उपाध्याय ने मस्त को भू माफिया बताया। जब उनसे बीते दिनों के बारे में पूछा गया तो उनका इस प्रकार का कहना था, ब्लास्ट मामले आसानी यातनाएं सहनी पड़ी और झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मुझे काल कोठरी में 9 सालों तक रहना पड़ा। उस समय मौजूदा सरकार कांग्रेस ने हमें लोगों को आतंकवाद का नाम दिया। मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय 72 बलिया लोकसभा सीट का मैं उम्मीदवार। ये आप कुछ सालों पहले आपके साथ जो भी घटनाएं हुई है क्या उसमें तो पकाए डालेंगे? एक मालेगांव नाम के शहर में 29 सितंबर 2008 को एक बम विस्फोट हुआ। उसमें षड्यंत्र रचने के झूठे आरोप में हेमंत करकरे साहब ने मुझे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, समित कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और जम्मू कश्मीर के शंकराचार्य सहित कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और हमलों के ऊपर चार्जशीट 2009 जनवरी में फाइल हुई। 2011 में ये केस कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने NIA को सौंप दिया और NIA ने उस केस में 5 आदमियों को बरी कर दिया है और छठे आदमी को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, क्लीन चिट दिया है। कोर्ट ने अभी उनकी क्लीन चिट को माना नहीं है। बाकी 5 आदमियों को छोड़ दिया गया है और 7 आदमियों पे मुकदमा चल रहा है NIA कोर्ट मुंबई में। मैं उसमें शामिल हूँ, मुकदमा मेरे ऊपर भी चल रहा है और फिर भी चूंकि केस झूठा है इसलिए हम सारे आदमी बरी होंगे। आजकल जो चर्चा का विषय रहा है वो ये है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये आरोप लगाया है कि हेमंत करकरे ने उन्हें टॉर्चर किया। हेमंत करकरे बेहद ही नाकारा, इनकॉम्पिटेंट और बहुत ही बेहुदा किस्म का अधिकारी था। उसने सभी अभियुक्तों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया ताकि हम लोग ये झूठी कबूली दे दें कि हम लोगों ने अपराध किया है। उसके नालायकियत का ये आलम है कि जब उसे कसाब ने गोली मारी तो उसका हवलदार उसकी जान बचाने के बजाय खुद ही दुबक के छिप के और उसी की गाड़ी में बैठ गया। करकरे कुत्ते की मौत मरा, ऐसा उसकी पत्नी का आरोप है। फिर भी उसकी नालायकियत को छुपाने के लिए, क्योंकि उसका ये कर्तव्य था कि मुंबई को आतंकी हमले से बचाए, वो अपना कर्तव्य पालन करने के बजाय हम लोगों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था और इस नालायकियत के को बचाने के लिए, छुपाने के लिए तत्कालीन सरकार ने उसे अवार्ड दिया। वो अवार्ड उससे वापस लेना चाहिए और उसकी कार्रवाइयों की जांच होनी चाहिए। जेल में जो समय व्यतीत हुआ किस प्रकार व्यतीत हुआ थोड़ा? जेल का जो हमारा समय था वो अत्यंत दुखद था, पीड़ादायक था और किसी को भी जेल न जाना पड़े और झूठे केस में तो बिल्कुल ही न जाना पड़े। हम लोग अंडा सेल में थे जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है और हम लोगों ने 9 साल का वो जो जीवन था बहुत ही तकलीफ में गुजारा है। शारीरिक यंत्रणा, मानसिक यंत्रणा, पारिवारिक, सामाजिक और हर तरह से कांग्रेस सरकार ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। हम लोग आज जीवंत हैं, वो लोगों की शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छाएं हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और हमारे साथियों का सहयोग है। आप बलिया 72 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित हैं, क्या किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं बलिया में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया है। मैं मोदी जी का स्वयं समर्थक हूँ लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि अगर उम्मीदवार सही नहीं हो तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। मैं जनसंघ के फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी जिनके नीतियों पर चलती है उन नीतियों का अनुसरण करते हुए श्री वीरेंद्र सिंह मस्त का पुरजोर विरोध करता हूं और इसलिए यहां पर मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ। उनका भदोही से 3 बार सांसद रहे हैं और उनको बलिया दे दिया गया, क्या भदोही में ऐसा कोई काम नहीं किए थे?
ये तो मैं नहीं जानता, ये तो भदोही की जनता जानती है कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। भदोही से उनको भगाया गया ये यहाँ के लोगों का कहना है। बलिया में अगर मोदी जी का वर्चस्व पहले भी था तो वहाँ पे तत्कालीन सांसद भरत सिंह को यहाँ से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर दूसरा इम्पोर्ट भदोही से मस्त जी को यहाँ पर लाया गया है तो ये बलिया की जनता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके गले में जहर पिलाया जा रहा है जो किसी भी हालत में भृगुवासी जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका विरोध करते हैं वो भू माफिया हैं और पूरी जनता द्वाबा की जनता उनके भाई और उनके परिवार के कारनामों से त्रस्त है। लोगों की फसलें काट लेते हैं, लोगों की ज़मीनें कैप्चर कर लेते हैं और जयप्रकाश ट्रस्ट में से 20 करोड़ रुपया घपला करने का लोगों में ने आरोप लगाया है और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे लोगों में बहुत ही भय व्याप्त है। मैं तो सरकार से और चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूं कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे, कि इस चीज़ की ताकीद करे कि लोग भयमुक्त होकर उनके खिलाफ वोट दे सकें। इसलिए आप इनाम खड़े होंगे खिलाफ? मैं अपनी बात कहने के लिए चुनाव में खड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है तो उन्हें मंत्री बनाया गया रहता। पहली बार की सांसद स्मृति ईरानी को मंत्री बनाया गया है, अनुप्रिया पटेल जी को बनाया गया है, तीन तीन बार के सांसद रहे मनोज सिन्हा को मंत्री बनाया गया, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता था। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सर्वथा नालायक हैं और उन्हें एडजस्ट करने के लिए ही किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया होगा। योग्य नहीं है ऐसा जनता का भी कथन है, तो इसलिए मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ।